अस्सलाम वालेकुम, आज मैं आपके लिए चिकन टिक्का बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूँ। चिकन टिक्का बिरयानी की ग्रेवी बनाने के लिए 1 किलो चिकन, ब्राउन तली हुई प्याज 2, टिक्का मसाला किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं 4 टेबलस्पून, लहसुन अदरक की पेस्ट 1 टेबलस्पून, लेमन जूस 10 टेबलस्पून, फूड कलर 1/2 टीस्पून, भुना और कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा 1 टेबलस्पून, पिसी हुई काली मिर्च 1 टीस्पून, हस्बे ज़रूरत नमक 1 कप ऑयल, 6 से 7 हरी मिर्चें जिनको मैंने मोटा मोटा काट लिया है, हरा धनिया और 1 कप दही। इन चावलों को मैंने खुले पानी में सफ़ेद ज़ीरा, दालचीनी, लौंग, बड़ी इलायची, काली मिर्च डालकर 80% कुक कर लिया है। सबसे पहले हम चिकन को डालेंगे। इसके अंदर दही डालेंगे, पिसी हुई काली मिर्च डालेंगे, टिक्का मसाला डालेंगे, नमक, लहसुन अदरक की पेस्ट, भुना और कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा डालकर इसको मिक्स कर लेंगे। लाइट आंच पर आपने इसकी मिक्सिंग करनी है। अब हम इसके अंदर लेमन जूस डाल लेंगे। और अब हम इसको फिर दोबारा 1 से 2 मिनट के लिए मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। और इसको कवर कर 15 मिनट के लिए धीमी आंच पर रख देंगे। 15 मिनट के बाद इसको फिर एक बार हम मिक्स करेंगे। और इसके अंदर तली हुई 2 ब्राउन प्याज डाल लेंगे और इसको मिक्स करेंगे। अब हम इसके अंदर 1 कप ऑयल डालेंगे। ऑयल इसमें इस वक्त डालना है और गर्म करके डालना है। ये देखिए, और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। आंच हमारी धीमी ही रखनी है हमने। अब हम इसके अंदर फूड कलर ऐड करेंगे और इसको फिर दोबारा से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके अंदर एक फॉइल पेपर रखेंगे और कोयले को मैंने गरम कर लिया हुआ था, फुल गरम किया हुआ था। अब इसके अंदर मैंने कोयले रख लिए हैं और इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे इसकी भाप, ताकि कोयलों की भाप इसके अंदर अच्छी तरह आ जाए। और इसको कवर करके 2 से 3 मिनट के लिए रख देंगे। ये देखें, अब हम कोयलों को निकाल लेंगे और फाइल पेपर भी निकाल लेंगे। और इसको फिर एक बार मिक्स करेंगे। हमारी ग्रेवी तैयार है। अब हम सबसे पहले ग्रेवी के ऑयल को ही हमने कढ़ाई में डाल लिया है और उसके ऊपर ये चावल की तह लगाएंगे, फिर चिकन की तह लगाएंगे और फिर चावल की तह लगाएंगे।
ये देखें हमने तीनों तह लगा ली हैं और उसके ऊपर हरा धनिया और हरी मिर्चें डाल ली हैं। अब हम इसको दम पर रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए बिल्कुल लाइट आंच पे। ये देखें बिरयानी कई रेडी हो गई है। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत मज़े की बनती है। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो आप लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।